वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू मेक अनदर पनीर डिश। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स ऑफ पनीर लिया है, फ्रेश होममेड पनीर। फॉर दिस यू कैन वॉच माय वीडियो हाउ टू मेक पनीर। सो हेयर आई एम मेकिंग अ न्यू रेसिपी विद द पनीर, दैट इज मलाई पनीर और रेशमी मलाई पनीर। सो फॉर दिस रेसिपी वी नीड, क्योंकि यहाँ आजकल फेस्टिव सीजन चल रहा है तो पनीर के डिशेज जो हैं वो नॉर्मल हैं और हम सभी कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं। सो आई एम मेकिंग दिस क्विक मलाई पनीर। फॉर दैट आई हैव 250 ग्राम्स ऑफ पनीर, अबाउट 3/4 कप ऑफ मलाई और फ्रेश क्रीम। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप हैवी क्रीम भी यूज कर सकते हैं। I have taken fresh malai from the milk. This is the upper layer of the fat which comes on the milk when we boil it. My another ingredients are onion, one big size of onion, roughly chopped, ginger and garlic, roughly chopped, tomatoes, roughly chopped, and one green chili जो कि मैंने स्लिट किया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सब कुछ रफली चॉप इसलिए लिया है क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाना है, बिकॉज वी आर मेकिंग मलाई पनीर। तो इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल मलाई की तरह होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट होनी चाहिए। सो हम पहले ग्रेवी बनाएंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इसमें मैंने कोई भी साबुत मसाले ऐड नहीं किए हैं। अगर आप साबुत मसाले ऐड करेंगे तो आपको इसे छानना पड़ेगा, बट आई अवॉइड दिस बिकॉज इसमें बहुत टाइम लग जाता है। सो आई एम मेकिंग इट विदाउट होल गरम मसाला। आई एम यूजिंग दिस गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। दीज थ्री क्वांटिटीज आर हाफ हाफ टी स्पून, वन टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और वन टी स्पून, कोरिएंडर लीव्स, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स है यहाँ पर। This is sugar, 1 teaspoon for balancing the sourness of the tomatoes. Here I have taken 2 to 3 big tomatoes and red chili powder 1 teaspoon. और अब हम अपना मलाई पनीर बनाना शुरू करेंगे। For this we are going to first fry our these ginger garlic and onion. So now we will start. Friends, मैंने यहाँ पर oil लिया है अपने pan में। Now I'm going to add my ginger garlic first of all. I'm not going to add any jeera or whole garam masala. I have taken 1.5 tablespoon of oil here. Half tablespoon oil जो है वो मैं बाद में add करूँगी जब हम इस मसाले को पीस लेंगे अच्छे से। तो हमारा onion और garlic जो है वो toast हो चुका है, sorry fry हो चुका है। I'm going to add onions. हम इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। You can see they are roughly chopped. मैंने इन्हें बिल्कुल भी बारीक नहीं काटा है क्योंकि मुझे इन्हें फ्राई ही करना है, वो फ्राई करके ग्राइंड करना है। So I have no need. ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो onions हैं वो लगभग ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं। थोड़ा सा और फ्राई होने देंगे इन्हें, क्योंकि हम इन्हें जितना फ्राई करेंगे इनका टेस्ट उतना ही बेटर आएगा इस रेसिपी में। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी हद तक भुन चुके हैं। नाउ दे हैव चेंज देयर कलर। आप चाहें तो थोड़ा और ब्राउन कर सकते हैं, पर जब हम जितना ज़्यादा ब्राउन करेंगे इनमें स्वीटनेस बढ़ती जाएगी। सो नाउ आई विल ऐड माय टोमेटोज एंड वन ग्रीन चिली। ग्रीन चिली जो मैंने स्लिट की थी, ये देखिए मैंने स्लिट की हुई ग्रीन चिली एंड टोमेटोज ऐड कर रही हूँ मैं। अब हम इन्हें अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक ये बिल्कुल मशी ना हो जाए। सो वी विल कुक अंटिल दे बिकम मशी इन देयर कंसिस्टेंसी। सो वी विल कुक देम। हियर आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी मसाला। फर्स्ट आई विल ग्राइंड द ग्रेवी एंड देन आई विल ऐड द मसाला। तो हम इन्हें अच्छे से कुक होने देंगे, बट एट दिस स्टेज आई एम एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट ताकि बहुत जल्दी कुक हो जाए। तो जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो टोमेटोज हैं वो काफ़ी हद तक मशी हो चुके हैं।
फिर विल कुक देम लिटिल बिट मोर। ये देखिए हमारा टोमेटोज का जो हमें पेस्ट बनाना है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे अपने मिक्सर के जार में जो है शिफ्ट कर लेंगे एंड वी विल ग्राइंड इट। तो फ्रेंड्स हम अभी इसे पीस लेंगे और हम इसे बिना किसी पानी के पीसेंगे। इसमें हम कोई वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू कूल इट लिटिल बिट, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गर्म में पीसेंगे तो ये ऊपर उछलने का डर रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें बिना पानी ऐड किए इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया। आप देख सकते हैं इट इज़ वेरी स्मूथ। अगर आप चाहें तो इसे छान सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम पैन फॉर मेकिंग माई करी अगेन। गैस स्विच ऑन कर दिया है एंड आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटल ऑयल हियर, 1 teaspoon ऑफ ऑयल एंड आई एम गोइंग टू ऐड माई मसालाज इन दिस ऑयल। बिफोर एडिंग द मसालाज आई एम गोइंग टू मेक द पेस्ट ऑफ मसालाज, मेक द पेस्ट ऑफ दीज मसालाज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऐड द रेड चिली पाउडर 1/2 teaspoon, क्योंकि हमने एक ग्रीन चिली उसमें ऐड किया है। लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक पाउडर 1/4 teaspoon, जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो ग्रेवी का कलर है आप देख सकते हैं इट इज़ रियली वेरी नाइस, और थोड़ी सी ही टर्मरिक ऐड करने की ज़रूरत है इसमें। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड जीरा पाउडर और क्यूमिन सीड पाउडर, 1 teaspoon ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 2 tablespoons ऑफ वाटर हेयर फॉर मेकिंग द पेस्ट। नाउ आई विल ऐड दिस पेस्ट टू द ऑयल। आप चाहें तो थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं, बट आई एम अवॉइडिंग दैट बिकॉज आई हैव एडेड ऑलरेडी मच चिली, सो आई एम अवॉइडिंग द रेड चिली पाउडर। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस पेस्ट टू द ऑयल। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये पेस्ट इसलिए बनाया है ताकि हमारे जो मसाले हैं बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। अदरवाइज हमारे जो मसाले हैं वो थोड़े बहुत जल सकते हैं, क्योंकि ड्राई मसाला जो है वो ऑयल में बहुत जल्दी जल जाते हैं, उनका टेस्ट जो है वो बिटर हो जाता है। हम यहाँ पर इसे, आप इसे चाहे हाई फ्लेम पर भी पकाएं तब भी ये जलेंगे नहीं बिकॉज दे आर एट इन द वॉटर। सो हमें इसकी खुशबू आने लगी है। ये देखिए मसाला ने ऑयल छोड़ दिया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माई, आई हैव एडेड लिटिल वाटर टू माई जार ताकि मैं सारा जो मसाला है या अनियन और उसका टमाटोज का मसाला है वो निकल आए। नाउ वी विल मिक्स ऑल द मसालाज विद दिस ग्रेवी। यू कैन सी दैट द ग्रेवी इज रियली वेरी नाइस। नाउ वी विल ऐड आर सॉल्ट टू द ग्रेवी। ध्यान से ऐड करें क्योंकि आपने टोमेटोज को कुक करते हुए भी इसने सॉल्ट ऐड किया था। एंड फॉर द बैलेंसिंग वी आर गोइंग टू ऐड शुगर 1 teaspoon। ये पाउडर्ड शुगर है, आप चाहें तो सिंपल शुगर ऐड कर सकते हैं। पाउडर्ड शुगर देखने में अमाउंट ज़्यादा लगती है बट इट इज़ अबाउट 1 teaspoon। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द क्रीम और मलाई, इट विल गिव अ रियल स्मूथनेस टू आर ग्रेवी। Now we have got such a golden or golden yellow kind of gravy. After cooking it little bit, it will become little bit dark. ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो ग्रेवी है वो रेडी है। Now I am going to add my paneer to this gravy. I'm going to add the paneer. Now we will cook it for about 2 to 3 minutes and we will cover it. इसमें एक boil आ चुका है friends. Now we will cook it. हम इसे cover करके थोड़ा सा cook करेंगे ताकि जो सारे flavors हैं वो बहुत अच्छे से blend हो जाए. I'm going to cover it for about 2 to 3 minutes. Friends, 2 to 3 minutes हो चुके हैं. Now we will check the gravy. Wow, it's looking really nice and yummy. You can see. Friends, you can see the texture of the gravy. You can see it is really creamy and so we call it malai paneer and it is really very delicious. Before serving it, I am going to add my garam masala powder at the end because it will add a great taste as well as the aroma to this dish. Now I am going to sprinkle the coriander. Now we will serve it in a serving dish.
सो फ्रेंड्स आर क्रीमी मलाई पनीर इज रेडी और आई एम गोइंग टू गार्निश इट विथ सम ग्रेटेड पनीर ऑन द टॉप. यू कैन ऑल्सो गार्निश इट विथ सम मलाई. सो हेयर आर पनीर डिश इज रेडी. इट इज रियली वेरी यमी एंड विद अ वेरी स्मूथ ग्रेवी. यू मस्ट ट्राई इट. आई होप यू विल लाइक. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. बाय बाय. एंजॉय ऑल द रेसिपीज. बाय.